जी तो व्यूवर्स, आज बहुत ज़्यादा खुशखबरी के बाद आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वैकेंसीज की डिटेल्स लेके आया हूँ अलमराई कंपनी में। अगर आप लोग सऊदी अरेबिया, दुबई या कतर या कुवैत, इन चार कंट्रीज़ में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं अलमराई कंपनी में वैकेंसीज के लिए, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, वीडियो के किसी भी हिस्से में मैंने डाल दिए, आप लोग वीडियो पूरी देखते रहें ताकि आप लोगों को वो लिंक मिल जाए और आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पे जाके, वेबसाइट पे जाके देख सकें कि दुबई के अंदर इस टाइम कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं अलमराई की, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में अलमराई की कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं, और कतर की जो है अंदर, कतर के अंदर कौन कौन सी जो अलमराई की कंपनी उसमें वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं, और इसके अलावा जो कुवैत में है ऑप्शन उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइज आप लोगों को वहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आप लोग वहाँ पे जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो है अप्लाई किस तरह से करना है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए, और एक्सपीरियंस वाले लोग अगर अप्लाई करना चाहें तो उनके बारे में कंपनी की क्या डिटेल्स है। इसमें गाइज अगर आप लोग एज अ फ्रेशर हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। गाइज सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो पूरी आप लोग नहीं देखते हैं बाद में आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो आप लोग उन वेबसाइट में एज अ फ्रेशर के सेक्टर पे जाके देख सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं। अगर आप लोग हेल्पर का काम करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के हेल्पर के सेक्शंस पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो है हेल्पर्स के लिए अवेलेबल्स हैं। अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का तो आप लोग एक्सपीरियंस सेक्शंस पे जाके देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस के लॉग्स हैं उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसमें अगर आप लोग ड्राइवर हैं तो ड्राइवर की सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं, अगर आप लोग फ्रेश ड्राइवर्स हैं तो आप लोग फ्रेश ड्राइवर के सेक्शंस पे जाके देख सकते हैं कि फ्रेश ड्राइवर के लिए क्या सैलरी है और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या ड्राइवर को चाहिए या नहीं। ड्राइवर के लिए थोड़ी बहुत क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी आइटम्स वो मार्केट में आगे ड्रॉप करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने कौन कौन सी चीज़ वहाँ पे दी है। जाहिर सी बात है तब ही पता होगा जब उनको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी आती होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी होती है, अरबी में लिखी होती है, तो अब अरबी ज़बान आना तो फिर बहुत ही एक मुश्किल काम है, तो इसलिए इंग्लिश जो है ड्राइवर को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान के जो नाम्स वगैरह हैं वो पढ़ सकें ताकि आप लोग ईज़िली। इसके अलावा गाइस जो लोग कहते हैं कि एज के रिलेटेड, एज आप लोगों की अगर आप लोग सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम जो है 22 आप लोगों की होनी चाहिए एज। 22 से अगर आप लोगों की कम है तो आप लोग अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि सऊदीया जो है जस्ट कम से कम जो लोग सऊदी के लिए अप्लाई करते हैं उनकी जो एज होती है वो 22 होती है। ठीक हो गया गाइस। बाकी दुबई के लिए एज की बात की जाए, अगर आप लोग दुबई के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आप लोगों की एज अगर 18 प्लस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 18 प्लस अगर आपकी एज है, 19, 20, 21, 22 कितनी भी है, 18 से ऊपर है तो आप लोग दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसी तरह पॉलिसीज़ हैं कतर के लिए, ओमान के लिए, वहाँ भी एज की लिमिट्स होती है। तो गाइस सऊदी के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग ने अप्लाई करना है तो कम से कम आपकी एज जो है 22 होनी चाहिए, 22 से अबव होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 22 है सऊदी के लिए है। तो गाइस हर चीज़ की डिटेल आप लोगों को मैं वेबसाइट पे आपकी स्क्रीन के ऊपर चला के दिखा देता हूँ, आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है और कौन कौन सी वैकेंसी टाइम अवेलेबल्स हैं। ठीक हो गया गाइस, वेबसाइट पे गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों को भी स्क्रीन के ऊपर चला के दिखाऊँगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं और आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हर सेक्शन आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कहाँ कहाँ पर है, ताकि बाद में आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाकर ख़ुद भी तसल्ली से देख सकते हैं हर चीज़ का सेक्शन, फ्रेशर का सेक्शन, एक्सपीरियंस का सेक्शन, जो हेल्पर्स का सेक्शन, हर चीज़ के रिलेटेड मैं आप लोगों को अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ चला के दिखा देता हूं। जी तो व्यूवर्स अभी आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को वेबसाइट पर लेके आ गया हूं, ये अलमराई कैरियर्स की जो वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि आप लोग एडवांस में किसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग एज अ फ्रेशर हैं तो एडवांस में एज अ फ्रेशर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग जो है कोई हेल्पर के काम रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो एडवांस में भी आप लोग उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते, कोई भी जॉब्स के रिलेटेड अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो आप लोग किसी चीज़ का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग एडवांस में इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस में किस तरह से अप्लाई करना है और करंटली कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं मैं आप लोग के साथ
आगे चल के शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का आपका क्वेश्चन जो होता है वो बाकी ना रहे। गाइज सबसे पहले आप लोग साथ कंपनी नेम अलमराई कंपनी, जॉब लोकेशन दुबई अबू धाबी सऊदी अरेबिया, ठीक हो गया। जेंडर जो है मेल एंड फीमेल, आल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एजुकेशन जो है हाई स्कूल भी चलेगा, डिप्लोमा डिग्री अगर आप लोग पास है तो भी चलेगा, क्योंकि हाई स्कूल वालों को छोटी जॉब्स मिलती हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा होता है, थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन होती है, तो उनको एक अच्छी जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक हो गया। एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट नेसेसरी, यानी कि आप लोग के पास अगर किसी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोग को भी पता है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट जो है मेंशन जॉब रोल्स, एज की जो लिमिट्स है, जब आप लोग किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी जो है लिमिट वहाँ पे लिखी होगी कि इस जॉब के लिए कितनी एज का होना बहुत ज़रूरी है। नेशनलिटी सेलेक्टिव से गाइस, बेनिफिट्स लेबर लॉ के मुताबिक आप लोगों को दिए जाएंगे, जिस कंट्री भी के लिए भी आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। सैलरीज जो है टॉकिंग अबाउट इज ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, यानी कि आपके इंटरव्यू के दौरान आप लोगों से सैलरीज के बारे में भी बात की जाएगी कि आपको कंपनी की तरफ से कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक हो गया। गाइस लास्ट अपडेट आप लोग देख सकते हैं, इसके 18 सितंबर लास्ट अपडेट भी आप लोग देख सकते हैं 18 सितंबर। इसके अलावा गाइस आगे चल के मज़ीद डिटेल्स वगैरह आपको बता दूँ, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है अबाउट अलमराई, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हर चीज़। ये अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ पढ़ के बताऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, एक घंटे से भी ऊपर हो जानी है। इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं होता वीडियो देखने के लिए, और ना ही मेरे पास है कि मैं एक घंटे की वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, लिंक मैं आप लोगों को दे दिया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप लोग लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आके खुद भी हर चीज़ देख सकते हैं। आगे चल के आप लोग साथ बात करूँगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज इस टाइम अवेलेबल्स हैं, ठीक हो गया। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड कल्चर एट अलमराई, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स लिखी हुई है, यहाँ पर यानी जो कल्चर्स के बारे में है अलमराई का, वो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई, आप लोग खुद भी देख के पढ़ सकते हैं। लास्टेस्ट अलमराई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन UAE, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो UAE में अपॉर्चुनिटीज़ है सेल के रिलेटेड, पैकिंग के रिलेटेड, पैकिंग हेल्पर, ड्राइवर, ETC, ज्वाइन दी अलमराई टीम टू डिवेलप यूर प्रोफेशनल पैथ एंड एमिड अ वेराइटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एन एक्सीलेंस फोकस्ड कल्चर। UAE के लिए जो जॉब्स वगैरह अवेलेबल है, पैकिंग हेल्पर, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, सेल के लिए स्टाफ चाहिए, ठीक हो गया। अप्लाई किस तरह से करना है आगे चल के मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके अलावा सैलरीज एंड बेनिफिट्स के रिलेटेड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी की तरफ से कि जो अलमराई की जो सैलरीज और बेनिफिट्स होती हैं वो, उसके बारे में यहाँ पे भी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह दिए जाएगा, मेडिकल मेंबर विच इमरजेंसी, हर चीज़ केयर आप लोग को की जाएगी, एनुअल लीव दी पाई जाएगी डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन एंड लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद दी कंपनी। एम्प्लॉयज आर एंटिटल्ड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनुअल लीव। तो गाइज आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद डिटेल देख लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो स्टाफ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आगे चल के आप लोग के साथ मज़ीद में डिटेल शेयर कर देता हूँ, हाउ टू अप्लाई फॉर अलमराई कैरियर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलमराई कैरियर्स के लिए किस तरह से आप लोग अप्लाई करें। तो फॉलो दी स्टेप टू अप्लाई फॉर अलमराई कैरियर इन UAE टू गो टू दी कैरियर्स, यानी कि यह भी आपको यही कह रहा है कि आप लोग कैरियर्स पर जाएँ, वेबसाइट जाएँ, वहाँ पर जाके अप्लाई करें। अब आप लोग वेबसाइट पर किस तरह से जाएँगे सुनिएगा गौर से। अवेलेबल जॉब पोजिशन न्यूएस्ट वैकेंसी, यानी कि लेबॉरट्री सुपरवाइज़र चाहिए, लेबॉरट्री का जो सुपरवाइज़र है ये हाइस्ट वैकेंसी है, अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये रियाज की वैकेंसी सऊदी अरेबिया की। प्रोग्रामर चाहिए, डिवेलपर चाहिए, रियाज की वैकेंसी है ये भी। टेक्नीशियन चाहिए अबूधाबी UAE के लिए। प्लानर चाहिए अबूधाबी UAE के लिए। ह्यूमन रिसोर्स सुपरवाइज़र चाहिए रियाज KSA के लिए, सऊदी अरेबिया की वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्स सुपरवाइज़र PM। रीजनल टेरिटरी मैनेजर चाहिए रियाज के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। इसके अलावा टेरिटरी कस्टमर एग्जीक्यूटिव चाहिए रियाज सऊदी अरेबिया के लिए। गाइस ये तमाम वैकेंसीज़ मैंने जो आपको बताई हैं ये रियाज और दुबई की वैकेंसीज अवेलेबल थे। इसके अलावा अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री के लिए ओमान कुवैत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएँ और जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सऊदीया और दुबई के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से इन जॉब्स में से अगर किसी जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है, आप लोग जस्ट इन जॉब्स के ऊपर क्लिक करें,
क्लिक करके ये डायरेक्ट आप लोगों को वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे जाके अपनी सीवी कंपनी को सबमिट कर दें। ठीक हो गया। अप्लाई करने के लिए क्या करना है दोबारा गौर से सुन लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी को लिंक ना मिले तो मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएँ। इस वेबसाइट पर आके आप लोगों ने जो जॉब आप लोगों को पसंद है या जिस जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके कंपनी को अपनी सीवी सेंड करें। ठीक हो गया गाइस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आप लोगों को तभी शो होगा जब आप लोगों ने जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। जो लोग सब्सक्राइबर नहीं होते उनको यूट्यूब पॉलिसी के थ्रू लिंक वगैरह शो नहीं होते। ठीक हो गया गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉब की डिटेल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।